और अगली खबर है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जहां पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव से फ्री होने के बाद अब बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रातापानी में शुरू हो गई है। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया है, करीब 7 किलोमीटर दूर ही मीडिया को रोक दिया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल शुक्रवार शाम को ही भोपाल पहुंच गए थे। वहीं मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, वीरेंद्र खटीक और फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव जयभान सिंह पवैया ने कहा कि बैठक में किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसलिए एकांत में रखी गई है। रातापानी में हो रही बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, 5 केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जयभान सिंह पवैया, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्या, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल, कविता पाटीदार, ओम प्रकाश धुर्वे आदि शामिल हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हैं। 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर इस बैठक में रणनीति बनेगी। बीजेपी का प्रयास है कि पीएम के इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के हर गांव में धार्मिक माहौल तैयार किया जाए। 11 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से गांवों के मंदिरों पर भजन कीर्तन, दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ ही उज्जैन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाए, ताकि उज्जैन में नव निर्मित महाकाल लोक की विशेषताओं को लोग जान सके और पीएम के कार्यक्रम को लोग गांवों में भी देख सके। स्थानीय कार्यकर्ताओं को लोकल लेवल पर टीवी एलसीडी स्क्रीन के अलावा प्रोजेक्टर पर पीएम के कार्यक्रम का प्रसारण दिखाने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने 5वीं बार सरकार बनाने के लिए कई चुनौतियां हैं। बीजेपी में कई सीनियर नेतागढ़ अभी भी राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में तमाम निगम मंडलों में पद खाली पड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के इंतजार में बैठे विधायकों के अलावा सीनियर नेताओं को भी इनमें एडजस्ट किया जाएगा। पंचायत और नगरीय निकाय के चलते निगम मंडलों की नियुक्तियां अटक गई हैं।